श्वेता तिवारी, श्वेता तिवारी जो कि अक्सर चर्चा में रहती है अपनी शादी को लेकर, मैं कहूंगा शादियों को लेकर, क्योंकि उनकी दो दो शादी हुई है। पहली शादी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर वो राजा चौधरी के साथ में उन्होंने पहली शादी की, जबकि वो 19 साल की ही थी, सिर्फ केवल 19 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी, और उसके बाद उनको बेटी जन्मी जिसका नाम है पलक। और अब पलक चौधरी के बाद श्वेता तिवारी अपनी बेटी को अपने साथ रखती है, इसलिए नाम रख दिया गया है पलक तिवारी। अगर दोस्तों मैं दूसरी शादी की बात करूं तो दूसरी शादी उन्होंने, ये तस्वीर है अभिनव कोहली के साथ में उन्होंने शादी की, जहां पर उनका जब वो एक बच्चा जन्मा रियांश, तो उसके बाद फिर से वही तकरार जो है शुरू हो गई जैसे राजा चौधरी के साथ में थी। राजा चौधरी के साथ उन्होंने तलाक ले लिया, उसके बाद उन्होंने अभिनव कोहली के साथ में उन्होंने शादी कर दी, और अब उनके साथ में भी तलाक हो चुके हैं। एंड अब कहा जा रहा है कि इस तरह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है श्वेता तिवारी, अंधेरे में रहती है, बहुत कम लोगों से बात करती है। और आखिरकार उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें बताई जिसको सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे दोस्तों। उन्होंने पलक और रियांश के बारे में कहा कि वो दोनों मेरे बच्चे हैं और मैं उनको पालूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ, और उन्होंने कहा कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शायद मुझसे गलती हो गई आदमी चुनने में। जी हाँ, वो कहती है कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ी गलती हुई है आदमी चुनने में, यानी कि जो उन्होंने शादियाँ की उसको लेकर। वो कह रही है उनकी शादी एक गलती थी, वो इंसान गलत थे जिनके साथ में उन्होंने रिश्ता जोड़ा, के साथ उन्होंने सात फेरे, मंगलसूत्र और सिंदूर का जो ये नाता और रिश्ता जोड़ा दोस्तों। अब ऐसे में पहली बार खुलकर आई है सामने श्वेता तिवारी, अब इस पर आप क्या कहते हैं जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। हो सकता है कि शायद उन लोगों में गलती हो, या फिर कुछ गलतियां श्वेता तिवारी में हो, या फिर किस्मत की गलतियां। आप लिखे कॉमेंट सेक्शन में, मैं आपसे बात करूंगा हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। मैं हुआ एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।